हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नीटिंग मैजिक चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं ये बबल डिज़ाइन बना के दिखाने वाली हूँ आपको। ये मैंने मल्टी कलर में बनाया है, कितना खूबसूरत खूबसूरत दिखता है। देखिए, ये आप एक कलर में भी बना सकते हैं। ये किसी भी प्रोजेक्ट पे अच्छा दिखता है, जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर पे भी अच्छा दिखता है। आगे से ये ऐसे दिखता है, उसकी रॉन्ग साइड ऐसे दिखती है। ये बस चार फंदों का डिजाइन है और 6 रोज में कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला डिजाइन है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 4 के मल्टीपल में 20 फंदे लिए हैं और एक एक फंदा एक्स्ट्रा लिया है। ये डिजाइन उल्टी सिलाई से शुरू होता है और 6 सिलाइयों में 6 रोज में कंप्लीट हो जाता है। तो अब मैं पहले उल्टी सिलाई बनाती हूँ। फंदा मैंने ऐसे उतार लिया स्टिच का। वही हमारी उल्टी सिलाई और रो नंबर 1। अब रो नंबर 2 मैं सीधी सिलाई बुनूंगी। मैं सीधी बुन के लेती हूँ और वापस आती हूँ। देखिए, मेरी सेकंड रो कंप्लीट हो गई सीधी सिलाई। फर्स्ट रो हमने क्या किया, पहली सिलाई पूरी उल्टी बुन ली, सेकंड रो पूरी सिलाई हमने सीधी बुन ली। अब थर्ड रो में फिर से उल्टी सिलाई बुनूंगी। देखिए, थर्ड रो मैंने कंप्लीट की पूरी उल्टी सिलाई बुन के। अब आते हैं फोर्थ रो पे। अब फोर्थ रो भी हमने पूरी सिलाई सीधी बुननी है। आई कम बैक। ये मैंने फोर्थ रो पूरी कंप्लीट कर दी सीधी बुन के। अब आता है फिफ्थ रो पे, रॉन्ग साइड। देखिए, रॉन्ग साइड फिफ्थ रो भी हमने उल्टी बुननी है ना, कितना आसान डिजाइन। तो चलो, मैं फिफ्थ रो उल्टी बुन के वापस आती हूँ। देखिए, फिफ्थ रो मैंने उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं सिक्स्थ रो पे और डिजाइन के रो पे। ठीक है, सिक्स्थ रो पे हमारा डिजाइन बनेगा। अब यहाँ पे मैं सेकंड कलर लगाने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान डिजाइन है ये और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अब मैं सेकंड कलर यहाँ पे लगाने वाली हूँ। ये होगा हमारा सेकंड कलर। मैंने पहला फंदा स्टिच कर लिया। ठीक है, पहला फंदा स्टिच किया सीधा, फिर आगे के मैं 3 फंदे सीधे बुनूंगी, 1, 2 और 3। ध्यान से देखिए। अब फोर्थ फंदे को क्या करना है, देखिए, ये जो फोर्थ फंदा है उसको हम 4 बार लूज करेंगे। मतलब देखिए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये जो फंदा है मैंने ऐसे उठा लिया ये सिलाई पे। ये फंदा हम ये चारों धागों के पीछे से सीधा बुन लेंगे ऐसे। ठीक है,
देखिए फिर से तीन फंदे सीधे बुनने हैं, एक दो और तीन, चौथा फंदा इसको सिलाई से निकाल दिया, एक दो तीन और चार बार, ठीक है। इसको ऐसे उठा लिया और ये पूरे धागों में से निकाल के एक सीधा फंदा निकालना है, एक सीधा बुनना है, ठीक है। फिर से एक दो और तीन, फोर्थ फंदे को लूज कर लिया, एक दो तीन चार, ये फंदे में से उसका ऐसे चारों फंदे सीधा फंदा बना लिया। फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फोर्थ फंदे को ऐसा धागों में से उतार लिया है, उसको सीधा बुन लिया, एक दो तीन, ये फोर्थ फंदे को ऐसे मैंने निकाल लिया, सीधा बुन लिया, लास्ट का एक फंदा सीधा। अब यहाँ से हमारा रिपीट चालू हो जाता है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी आएगी। अब फिर से हमें क्या करना है, देखिए एक सिलाई पहली सिलाई रो वन पूरी उल्टी, दूसरी सिलाई रो टू पूरी सीधी, तीसरी सिलाई रो थ्री पूरी उल्टी, चौथी सिलाई रो फोर पूरी सीधी, पांचवी सिलाई रो फाइव पूरी उल्टी, और फिर छठवीं सिलाई पे हम कलर बदलेंगे। मैं बना के पांच सिलाइयां वापस आती, देखिए ये हमारे सिक्स रो है, यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, मैं एक आसान सा तरीका आपको बताती हूँ। ये जो बबल दिख रहा है, ये बबल के ऊपर से जो बीच का सीधा फंदा जा रहा है, देखिए ये वाला फंदा, ये बीच का फंदा, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो हम एक काउंट करेंगे, ठीक है। मतलब इसी के ऊपर हमने हमेशा ये बबल के, ये बीच की रो के ऊपर ही हमेशा हम डिजाइन डालेंगे। मतलब जो फंदा हम लूज करते हैं फोर्थ वाला, तीन बुन के फोर्थ वाला जो लूज करते हैं, तो ये हमारा फोर्थ वाला रहेगा। तो यहाँ पे यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं, देखिए ये वाला ये फोर्थ फंदा है, फोर, ये आ गया थ्री, ये आ गया फोर, मतलब हमने दो फंदे सीधे बुन के थर्ड पे थर्ड फंदे को लूज करना है। अब मैं सेकंड डिजाइन डालती हूँ, एक दो, ये जो थर्ड फंदा है इसको हम अनस्टिच कर लेंगे, और ये चारों धागों के बीच में से इसका एक बना लेंगे, ठीक है। अब रिपीट पैटर्न चालू होगा, एक दो तीन फंदे बुन लिए, फोर्थ फंदे को हम ऐसे अनस्टिच करेंगे चार बार, इसको ये सिलाई पे लेके इसको सीधा बुन लिया, ठीक है। फिर से तीन, एक दो, तीन फंदे सीधे, ये चौथे फंदे को हमने अनस्टिच कर लिया, एक दो तीन और चार बार, ये फंदे को ये सिलाई पे लेके चारों धागों के बीच में से उसका एक सीधा फंदा बना,
उसको टाइट ही रखना है, लूज नहीं रखना है। जितना आप टाइट रखेंगे उतने बबल्स उभर के दिखेंगे। फिर से एक दो तीन, ये फोर्थ फंदा मैंने उतारा, दो तीन चार बार उसको चारों धागों के बीच में से लेके एक सीधा फंदा निकाला, उसको टाइट ही रखा मैंने। फिर से तीन फंदे सीधे, फोर्थ फंदे को अनस्टिच किया, एक दो तीन और चार बार उसको सीधा बुन लिया और आगे के तीन फंदे सीधे, दो और तीन। देखिए रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। फिर से क्या करना है, फर्स्ट रो पूरी उल्टी आएगी, सेकेंड रो पूरी सीधी, थर्ड रो पूरी उल्टी, फोर्थ रो पूरी सीधी और फिफ्थ रो पूरी उल्टी, और सिक्स्थ रो पे हमारा कलर चेंज होगा और फिर से रिपीट पैटर्न चालू होगा। तो मैं पांच सिलाई बुनती हूँ और वापस आती हूँ। आता है हमारा सिक्स्थ रो पे, अभी यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, ये मैं पिंक कलर ले रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से हमने कैसे बबल डालना है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ये बीच वाला धागा, देखिए मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये जो है लाइन दिख रही है बीच वाली बबल के ऊपर से ऐसे, तो ये ही हमने लूज करनी है। तो इसको पकड़ेंगे हम फोर्थ, ठीक है, उसके आगे के तीन और ये एक सिंगल रह जाता है, तो हम क्या करेंगे चार फंदे बुन लेंगे, चार फंदे बुन लेंगे, मतलब ये एक सिंगल ऐसे बुनेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे और ये फोर्थ वाला हम अनस्टिच कर लेंगे, ठीक है। ये मैं दूसरा कलर ले रही हूँ पिंक कलर, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, इसको मैं चौथे फंदे को अनस्टिच कर लूंगी चार बार, दो बार हो गया तीन और ये चार बार, ये फंदे को ऐसे उठा के ये सिलाई पे लूंगी और चारों फंदों के बीच में से एक। तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फोर्थ वाला मैंने लूज किया चार बार, तीन चार, इसको सीधा बुन लिया चारों फंदों के, सीधा एक फंदा निकाला, फिर से तीन सीधे, दो तीन, ये फोर्थ मैंने अनस्टिच किया दो बार तीन बार और चार बार। तीन फंदे सीधे, चौथा फंदा अनस्टिच किया, एक दो तीन चार बार, एक फंदे को चारों फंदों के बीच में से एक सीधा बुन लिया, आगे के तीन फंदे सीधे, दो तीन, ये फोर्थ आएगा इसको मैंने अनस्टिच किया, एक दो तीन चार बार, इसका एक कर दिया सीधा धागा बुन लिया, आखिर का एक स्टिच सीधा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना इजी, यही आपने रिपीट करना है। लेकिन मैंने जो टेक्निक बताई वो ध्यान रखिए, ये बबल जो है
ये बबल के ऊपर का जो जो बीच में का सीधा धागा आता है वही फोर्थ फंदा पकड़िए और उसी उसी को अनस्टिच करते जाइए एक के ऊपर एक, तभी यहाँ पे आप अनस्टिच करेंगे तो ये बबल यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। फिर से आप क्या करेंगे, रॉन्ग साइड, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो उल्टी, फोर्थ रो सीधी, फिफ्थ रो रॉन्ग उल्टी, और सिक्स रो पे आप कलर चेंज करके बबल बनाएंगे। कितना इजी और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा और सिखाने का तरीका पसंद आया होगा तो मेरा चैनल प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिलते रहे इसके लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।